आवास परवास, छे अखरां दे दो शब्द जो कि कई सदियां तो साड़ी जिंदगी दे नाल जुड़े हुए ने। एक देश तो दूजे देश तक जां एक थां तो दूजे थां तक दा इह सफर जो कि हमेशा तो ही किया जाता रहा, कारण कोई भी होए, चाहे व्यापार लई किया जावे जां पढ़ाई दे लई, रुकावटां जां मुश्किलां शुरू तो ही बनिया हुई ने। सो अजिहियां ही रुकावटां जां मुश्किलां ते होर तत्थां उत्ते चर्चा करन लई शुरू कीते प्रोग्राम देश परदेस लाइव दे विच निघा स्वागत। सो हर बार की तरह इस बार भी असी एक माहिर कंसल्टेंट को सद्दा दिता है। सो सब तो पहला अज के जो साडे गैसट ने उन्हों का स्वागत कर लिए, सैटलिंग अब्रोड सर्विस तो गौरव तलवार जी। गौरव जी स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल दर्शकों। सो अज का जो विषय रहेगा न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया ते सिंगापुर। आस्ट्रेलिया स्कूलिंग की गल की जाएगी, फिर भी कोई सवाल जो तुहाडे दिल विच रह जांदा है प्रोग्राम के दौरान नहीं चर्चा की जा सकती, तुसी स्क्रोल किए जा रहे नंबरों के उत्ते कॉल कर सकते हो। किसी भी वेले तुहाडे वल्लों जो कॉल की जाएगी उसका तुहानू जवाब दिता जाएगा, तुहाडी कॉल पिक की जाएगी, नंबर नहीं लगता एक मैसेज भी छड्डिया जा सकता है ते परसनली विजिट भी किया जा सकता है। सो गौरव जी सब तो पहला न्यूजीलैंड की गल करते हैं। न्यूजीलैंड लैके काफ़ी ज़्यादा जो कि स्टूडेंट्स का रुझान देखने मिल रहा है, अप्लाई भी कर रहे हैं तो वीजे भी आ रहे हैं। सो न्यूजीलैंड के लिए हुण किहड़े इनटेक ने ते की नवां है? देखो न्यूजीलैंड लई सब तो जो जरूरी चीज़ है जो सैटलिंग अब्रॉड काउंसलिंग दिंदा है या असी जो बच्चे गाइड करते हैं उन्होंने ये कहने कि उन्होंने वो प्रोग्राम चूज़ करने चाहिए जिंदे चुनू पेड इंटर्नशिप मिले। जिस तरह का मैं बच्चों गाइड करता, मैं बच्चों गाइड करता, अगर वो गल मनते हैं तो उन्होंने 600 घंटे पेड इंटर्नशिप, और अगर वो कुकरी दे विच जाते हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी दे विच जाते हैं तो उन्होंने रेगुलर पेड इंटर्नशिप मिलती है। उनका बेनीफिट की है बच्चों जो सुन रहे हैं, पेड इंटर्नशिप एक सानू लै बना दिंदी है, कल असी किसी भी जगह प्रोपर फुल टाइम काम करना, काम करके कल अपना प्रोपर एक प्रोफाइल क्रिएट करना या प्रोफेसनल लॉबी का मैंबर बनना। तो पेड इन शब्द की जो पेड इंटर्नशिप की जो इंपोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और दूजी चीज़ जो सब तो जरूरी गल है कि जो कंसलटेंट थानू भेज रहा उस कंसलटेंट की उस धरती से किन्नी क पकड़ है, वो एयरपोर्ट ते सर्विसेज जो थोड़ी पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज जिन्हों कही जाती है, पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज ते भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिता जाता है कि फस्ट स्टैप तो लैके पोस्ट लैंडिंग तक कि बच्चा उत्थे उतर रहा है उन्होंने की चीज़ की जरूरत है, उन्होंने किस तरह का असिस्टेंस या किहड़ा कैंपस में जाना चाहता है, वो सारा कुछ उन्होंने दस्या जाता है। किहड़े किहड़े कोर्स ने जिहड़े सैटलिंग अब्रोड वालों प्रैफर किए जाते हैं स्टूडेंट्स नूं जां फिर दस्से जाते हैं? देखो कोर्स डिपेंड करता है थोड़ी प्रीवियस प्रोफाइल से, असी अकाउंटिंग नू भी प्रैफर करते हैं, बिजनेस नू भी दिंदे हैं, उस तो बाद काउंसलिंग नू भी एक कोर्स के रूप में दिखाने हैं, उस तो बाद तुसी यूनिवर्सिटी च फाउंडेशन प्रोग्राम भी कर सकते हो, पाथवे प्रोग्राम भी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा न्यूजीलैंड दे विच लीडिंग टू डिग्री जाना चाहता है, डी टू डी जाना चाहता है, जिन्हों इतने क्योंकि न्यूजीलैंड बेसिकली डिप्लोमा ऑफर करता है, उस डिप्लोमा से बहुत से बच्चों नू लोन नहीं मिलता और काफ़ी बच्चे न्यूजीलैंड दे विच ज़्यादा खर्चे नू देखते हुए न्यूजीलैंड की एक ऑप्शन नू अडोप्ट नहीं करते क्योंकि एफ टी एस दे विच भी बच्चे के पैसे जाने होंगे, तो उन्हें बैंक कितने ना कितने बैंक कहता है कि मैं डिग्री नू अडोप्ट करांगा, तो उन बच्चों लिए भी एक ऑप्शन है साढ़े को कि असी उन्होंने प्रोपर डी टू डी दे विच पाइए जिसकी उन्हों का जो लैटर है वो डिग्री का आएगा, और सिर्फ ग्रैजुएट स्टूडेंट जो बी ए है, बी ए स्टूडेंट वैलिड नहीं है, बी एस सी तुम्हें की है, तुसी बी कॉम की, तुसी बी बी ए की है, तुसी लीडिंग टू डिग्री कोई भी कर सकते हो, तो थोनू जो ऑफर लैटर है वो डिग्री का मिलेगा, जिस करके कल नू तुसी गवर्नमेंट बैंक तो फाइनेंस भी लै सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे आप देखे है जो कि छड़ दिंदे ने न्यूजीलैंड का एक ऑप्शन क्योंकि उन्होंने लगता है कि 17-18 हज़ार डॉलर फीस पे करनी पएगी, और जिन्हों को पुराने फंड्स नहीं है 15 हज़ार डॉलर उन्होंने फंड ट्रांसफर पे करना पएगा, तो इस करके एक खास ऑप्शन है, अगर इन्हों अडोप्ट करते हैं तो कितने कितने फाइनैशियल हैल्प भी मिलेगी। कुछ ऐसे बच्चों वालों भी सवाल भेजे गए हैं जो कि अपनी स्टडी पूरी करने तो बाद कुछ टाइम जो कि अपलाई करने के लिए लग गया, जा एक साल का उन्होंने स्टडी गैप है, अजे बच्चे अपलाई कर सकते हैं न्यूजीलैंड लई जां नहीं? देखो गैप कदे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर गैप में ऑथेंटिकली एक तरीका होंगे, एक एस ओ पी दे विच लिखा जा सकता है, एक उनका एविडेंस लाया जा सकता है कि असी ऑन एन एक्चुअल की कर रहे सी, क्योंकि जो असी फ्रॉड एंड डॉक्यूमेंट का सामना करते हैं, असी कई बार कह चुके हैं कि फ्रॉड एंड डॉक्यूमेंट थोड़े लिए थ्रेटनड है और एक रिफ्यूजल थोड़ी उस कंट्री की सारी जान के सपने डिस्ट्रॉय कर देंगे है, और जबकि इन्ना वधिया ऑप्शनस ने थोनू कित्थे जाना है, कित्थे गाइड कर सकते हैं, उतरन तो बाद थोड़ी एयरपोर्ट पिकअप, उस तो बाद थोनू उत्थे अकोमोडेशन कंपनी वालों दी जाती है, उस तो बाद थोनू उत्थे लैपटॉप की सर्विस दी जा रही है, उस तो बाद थोनू उत्थे दस्या जाता है कि किस तरह दी किस तरह तुसी अपनी इंटर्नशिप लै सकते हो, या तीजी चीज़ किस तरह तुसी अपनी जॉब प्लेसमेंट लै सकते हो, तो यह चीज़ देखनी जरूरी है कि गैप नू कदे भी गैप तो डरो नहीं, और दूजी चीज़ गैप नू कदे भी
कोई गलत रूप च हाई कमिशन दे सामने नहीं पेश करना चाहिए जिसका कल नूं असी उन्हूं प्रूव ना कर पाइए एविडेंस ना दे पाइए जी। एक गैप अजिहा भी स्टूडेंट्स के सवालों में देखने को मिला कि दसवीं तो बाद बारहवीं दे विच गैप सी या ग्यारहवीं बारहवीं दे विच या बारहवीं तो बाद बीसीए की या बीएससी की उस दे विच भी गैप सी अजे स्टूडेंट अपलाई कर सकते हैं। बिल्कुल एज ए स्टूडेंट अपलाई कर सकते हैं। वह फिर उही गल आ गई उन्होंने उत्थे दसना पएगा कि असी दसवीं तो बारहवीं दे विच कई बार बच्चा बीमार हो जाता उनके पेपर रह जाते हैं या बच्चा फेल हो जाता है परसेंटेज देखनी है परसेंटेज किन्नी है उन्हें यह नहीं देखना कि अगर एक बार बच्चा फेल भी हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा वीजा लैन का कोई इफेक्ट पेगा ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है जी। सो यह गैप की गल से इस जो अकैडमिक क्वालिफिकेशन की गल करिए आइल्स सब तो उपर आती जो किसी बाहर स्टूडेंट्स ने जाना पढ़ने के लिए। सो इतने आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं पर इंग्लिश की कितनी को जरूरत है? देखो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा नहीं किया जा सकता। कुछ लैवल के कोर्सिस पीटी ते आइल्स की रिक्वायरमेंट है जिस दे बिना बच्चे नूं एडमिशन नहीं हो सकता। और इंग्लिश दे विच मार्क्स की बहुत वड्डी वैल्यू है विदाउट आइल्स हो रहा विदाउट इंग्लिश नहीं हो रहा उनके विच थोड़े इंग्लिश दे मार्क्स की वैल्यू है। उस तो बाद पीटी टेस्ट तुसी दे सकते हो आइल्स का टेस्ट दे सकते हो उनके विच वीजा श्योरिटी वध जाती है क्योंकि कितने ना कितने लैंग्वेज की जो एबिलिटी है वह कॉलेज लई तां जरूरी है ही है और हाई कमिशन लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि कॉलेजेस तो उत्थे जाके थोड़ा इंग्लिश का कोर्स दोबारा ऑफर कर देंगे कि तुसी $2,000 $4,000 देके इंग्लिश का कोर्स पढ़ो। पर अगर जे तुसी इंग्लिश का कोर्स ही पढ़न जाना है तो हाई कमिशन कितने कितने व्यू ले जाती है कि यह बच्चा इतने क्यों नहीं 10,000 रुपए का टेस्ट क्यों ना इंग्लिश इतों ही क्यों ना सीख बिल्कुल 10,000 का टेस्ट इतने क्यों नहीं पे कर रहा है इतने ही पे करके इतने ही टेस्ट दे के दिता जा सकता तो इंग्लिश एफिशिएंसी क्लियर करना बहुत जरूरी है जी। सो न्यूजीलैंड के हुण केड़े इनटेक्स ने जां जिहड़े स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड के लिए अपलाई करना चाहते हैं उन्होंने लिए की डेडलाइन है जां की क्राइटेरिया? देखो जो न्यूजीलैंड का इनटेक्स तकरीबन हर मंथ है। देखो एज जरूरी है कि तुसी किस तरह का कॉलेज चूज करते हो कैटेगरी वन दे विच जो सैटलिंग अब्रॉड सर्विसेज है वो कैटेगरी वन दे इंस्टीट्यूशंस नूं ही प्रमोट करता है और प्लस वो इंस्टीट्यूट्स जिन्हां दे अपने कैंपस ने और जिन्हां दी प्लेसमेंट इंटर्नशिप सर्विसेज स्ट्रोंग ने प्लेसमेंट सर्विसेज स्ट्रोंग ने फर्क है। एक कैटेगरी वन दे विच बहुत से कॉलेज ने पर जिन्हां दे अपने बिल्डिंग्स नहीं है उन्होंने रेंटेड अकोमोडेशन खोलियां या रेंटेड कॉलेजेस खोले हुए हैं उस दे विच प्रॉब्लम की है कल नूं उन्हां दी एक फिजिबिलिटी स्ट्रोंग नहीं है उन्हां नूं कल नूं उस बच्चे नूं अडॉप्ट करन वाली कंपनियां घट ने जिन्हां दे हाईली अपनी रेपूटेशन दे नाल हाई कमीशन विच उन्हां दा वीजा सक्सैस रेट भी घट है। जो मैं कॉलेजेस प्रमोट करदा उन्दे विच ओ सारे कॉलेजेस ने जिस कॉलेजेस दे विच जिन्हां दी जो वैल्यू है इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज है उन्हां कोल पाथवे प्रोग्राम ने प्लस उन्हां दे अपने इटसेल्फ कॉलेज दे कैंपस ने बहुत टाइम तो चल रहे ने और सक्सैसफुली पेड इंटर्नशिप है कल नूं बच्चे नूं वर्क राइट्स ने उस तो बाद वो पीआर तक भी पहुंचदा जी। जी गुरु एक चीज होर देखण नूं मिली कि देश प्रदेश जरिए भी काफ़ी समय तो जो कि स्टूडेंट्स नूं दस्या जा रहा फिर भी कितें ना कितें अवेयरनैस की जो कमी नज़र आती है स्टूडेंट कॉलेज या कोर्स चूज कर लग्या काफी ज्यादा पजल दिखाई देता है जा उन्हां नूं मिसगाइड किया जाता है। सो जे स्टूडेंट्स नूं तुसीं की कहना चाहोगे कि कॉलेज या कोर्स चूज कर लग्या किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखिया? देखो सब तो जरूरी चीज की है जो देखने वाली है कि तुसी ये नहीं देखो कि थोड़े डोर स्टैप ते केड़ा बंदा है या असी बाहर निकले साढ़े शहर दे विच हुण कई बच्चे सानू अमृतसर तो गुरदासपुर तो कॉल करते हैं या दूरों कॉल करते वो कहते भाजी थोड़ा कोई दफ्तर इत्थे दा नहीं हैगा सानू आना औखा है। देखो एक्चुअली प्रोफेशनल सर्विसेज लैण लई तुहानू जो थोड़ा दूर तो आना ही पाएगा और दूजी चीज जो कमियां पेशियां असी दस सकते हैं शहर एक छोटी जगह पर बैठा बंदा उस तरीके की अपडेशन तो नहीं लै सकता तो अनु बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर देखना कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच बंदा किन्ने पुराने टाइम तो काम कर रहा है किन्ना क स्टाफ उन्हें नाल जुड़िया है कि कदे उन्हें अज छे महीने साल तो नहीं ऑफिस खोल के शुरू करता है कि मैं हुण कंसल्टेंट बन गया अपना काम शुरू कर रहा है उस दे विच हमेशा कमी रहेगी उन्हें नाल किन्नी क पुरानी लॉबी जुड़ी हुई है पुराने किन्नी क सक्सैसफुल स्टोरीज उन्हां दे नाल जुड़ी ने क्योंकि एक देखो एक आम बंदे लई एक कंसल्टेंट दा ऑफिस खोलना बहुत आसान है तुसीं कोई भी रेंट ते बिल्डिंग लैके अपना ऑफिस खोल सकते हो पर
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਥਰੂ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ IPA ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸੈਟਲਿੰਗ ਅਬਰੋਡ ਉੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਅ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ OJT ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਔਨ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪਾਸਿਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਸ ਪਾਸਿਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ, OJT ਲੈਣ ਲਈ, ਪਾਸਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 6+6 ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 3+6 ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੈਪ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਾਸਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਪਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰ ਪਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ OJT ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ OJT ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲਸ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਪਲੋਈ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਗਲਤ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ?
ਤਾਲੁਕ ਲੱਗਦੀ। ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਐਜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਈਵਨ ਹੌਸਪਿਟਲ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਲਾਰ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਾਇੰਡਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਸਿਸ ਦੇਈਏ, ਫੀਸਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਟੀ ਈ ਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਪਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਬੰਬੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲਿੰਗ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਅਗਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਟ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, USA ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਲੈਣੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7th ਔਰ 8th ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਫਸਟ, ਵੈਸੇ ਜੋ ਔਨ ਦਾ ਰੂਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 7th ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, 11th ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ 7th-8th ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਚੋਰਟੀ ਲੈਵਲ ਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ 7th ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਪਰੂਫ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਇਨਕਮ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੰਡ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫੰਡ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ GIC ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਥੈਂਟਿਕਲੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਚੋਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ
जो पेरेंट्स है ये किस लिए नाल जा रहे हैं और किस तरीके इन द मोटिव कि अपने बच्चे नु पढ़ाना मोटिव या खुद सेटल हो पाना एक मोटिव जी है। ते गार्डियन जो पेरेंट्स जो कि ना जाते हैं उन्होंने केड़ा वीजा लगता है ते उन्होंने की वर्क राइट्स मिलते हैं देखो उन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा मिलता है उन्होंने 40 आवर्स वीक द अलाउ होंगे काम करना। और सुखद गल के एक ही है कि अगर न्यूजीलैंड और यूएस नो अडॉप्ट करते हैं तो जो फीसिज है वो बाद में जाती है। जी जिस तरह कैनेडा ऑस्ट्रेलिया फीसिज पहले लेंदा जी फीसिज जान विच अगर कल नू वाहेगुरु ने करे उन्हें वीज़ा नहीं लगता पैसे वापस आ जाते पैसे वापस आने से जी बच्चे का एक काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है। जी पर न्यूजीलैंड तो यूएस दे विच सुखद गल ये है कि जो फीस है वो कॉलेज स्कूल्स बाद ही लेंदे ने उन्हें जी नाल की है कि बच्चे का नुकसान नहीं है और यूली ऐसी स्क्रीनिंग करके देख लेने हैं कि इस बच्चे नू केड़ी हाई कमीशन वीज़ा दे देगी जी और उस अकॉर्डिंग उन्हें कंट्री नू गाइड किया जाता है। जी सो जी फीस स्कूल दी जो कि बच्चे वालों पे की जाती है वो इंस्टॉलमेंट दे विच हुंदी जां इक्को वार विच सारी फीस पे करनी पैंदी। देखो न्यूजीलैंड यूएसए न्यूजीलैंड जेड़ा हैगा वो साल दी फीस कैनेडा साल दी फीस जी कट्ठी लैंदा है ऑस्ट्रेलिया 6 मंथ की ले लैंदा यूएसए 6 मंथ की ले जी लैंदा ये डिपेंड करता है ये तुसी फाइनेंशियल एबिलिटी भी थोड़ी देखनी है जी कि तुसी किस फाइनेंशियल एबिलिटी दे नाल हो। तुसी 1 साल की फीस दे सकते हो तुसी 6 महीने की जी फीस दे सकते हो और स्कॉलरशिप भी हैगियां ने वो डिपेंड करता है कि बच्चा केड़ा स्कूल केड़ी कंट्री किस तरह का जी मैथड अडोप्ट करता जी है। सो ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग के लिए हूँ जो मापियां वालों सवाल पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स जो जाना चाहते हैं अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं उन्होंने लिए हूँ कि इनटेक है कोई खास मैसेज जो देना चाहो। देखो कैनेडा दे विच तुहानू सितंबर इनटेक है जी सितंबर तो पहले कोई इनटेक नहीं है। अगर थोड़ा कोई कह रहा है कि मई इनटेक दे विच ऑफर लैटर आ जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं क्योंकि दो ही इनटेक ने स्कूलिंग दे एक जनवरी और एक सितंबर। जी ऑस्ट्रेलिया दे विच अप्रैल इनटेक अवेलेबल है न्यूजीलैंड दे विच भी मई इनटेक है और एज पर यूएसए भी इनटेक है। सिर्फ एक कैनेडा है जिंदा इनटेक बहुत दूर है और बाकी सारी कंट्रीज दे विच इनटेक जिहड़ा है वो नज़दीक है थोड़े जी वास्ते। जी सितंबर इनटेक नू जे देखा जाए काफ़ी महीने पे ने इसनू जल्दी लैके चला जाए जां बहुत घट समा मान के चला जाए की प्रोसैस होएगा जां देखो जो अच्छे स्कूल्स ने वो सितंबर इनटेक लिए 80% फुल हो चुके हैं जी क्योंकि पूरी दुनिया तो स्कूलिंग ते बच्चे जाते जी हैं बिल्कुल ते कैनेडा दे विच तां जिन्नी जल्दी सीट ले लेती जावे जिन्नी जल्दी कवर अप कर लिया जावे वो सब तो जी बेस्ट है क्योंकि कुछ ही सीटा होंदिया ने इंटरनेशनल बच्चों दिया ते बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लीतिया जाए ने स्टूडेंट्स के द्वारा ते कैनेडा दे विच कदे जल्दी नहीं होंदा। कैनेडा दे विच जिन्नी जल्दी फाइल लावांगे अपनी अच्छे तो अच्छा स्कूल अडॉप्ट कर लांगे सानू उन्नी जल्दी ही वीजा सक्सेस रेट दे चांसेस ज्यादा ने। जी सो न्यूजीलैंड सिंगापुर ते ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग नू लैके अज काफी ज्यादा सवालों के उत्ते गल कीती गई फिर भी कोई अजिहे गल जां कोई मैसेज जो तुहानू लगता है कि अज सांझा करना बेहद जरूरी सी। देखो मैसेज मैं ही देना चाहना कि ये तुसी अपने आप नू देखना है और दूजी चीज़ टेक्निकलिटीज़ नू देखना है कि तुसी ये देखो कि तुसी कित्थे जाके सेटल हो सकते हो। तुसी ट्रेड स्किल दे मेंबर हो तुसी अकैडमिक्स विच स्ट्रोंग हो तुसी किसी तरह की कोई हुनर दे माहिर हो या तुसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतों किसी तो लोन लैके जाना चाहते हो ये सारा काम देख के तुसी कंट्री चूज करनी चाहिए है और कंट्री एहो जी चूज करनी चाहिए जो जिंदे विच रिवर्ड तुसी किन्नी देर ही चाहते हो कि थोड़े को जो पैसे तुसी ला के जा रहे हो किसी तो लैके जा रहे हो थोनू इंस्टेंट रिवर्ड चाहिए तुसी प्रोपर पढ़ के उस तो बाद रिवर्ड दे सकते हो। उस सारी चीज़ ते एक चर्चा हर प्रोफाइल एक यूनीक है हर प्रोफाइल नू अपनी प्रोफाइल नू दूजे दे नाल मैच नहीं करना चाहिए उन्होंने प्रोपर डिस्कस करके काम करना चाहिए। जी गौरव धन्यवाद अज साडे शो दे विच आउण लई ते तमाम जानकारी साडे दर्शकां नाल सांझी करन दे लई धन्नवाद दर्शकां दा जो कि इस शो दे नाल काफ़ी समय तो जुड़े रहिंदे ने ते हुण वी जुड़े हुए ने। धन्नवाद टैक्नीकल टीम दा जिन्हां सदका इह शो तुहाडे तक पहुँचदा है। जाते हुए एक खास गल जो मैं दसना चाहां कोई भी सवाल तुहाडे मन विच रह गया होवे जां अज नहीं चर्चा कीती जा सकिया तुहाडे लई टाइम दी कोई भी बाउंडेशन नहीं तुसीं किसे भी वेले सैटलिंग अपरोड के नंबरों के उत्ते कॉल कर सकते हो तुहाडे कॉल का जवाब दिता जाएगा। गौरव जी नाल परसनली विजिट करके तुसीं राबता कायम कर सकते हो हर तरह का सवाल जो कि तुहाडे मन विच है उसका जवाब लिया जा सकता है। सो एक गल होर के परसनली विजिट करन दे लगे अपने डॉक्यूमेंट जो कि अकैडमिक डॉक्यूमेंट जां होर जो भी जरूरी दस्तावेज हो जरूर नाल लैके आ जाण तां जो तुहानू सही जानकारी दी जाए और यह सारी जानकारी जो कि फ्री ऑफ कोस्ट दी जाएगी। सो अज शो का समा इजाजत नहीं दिता कि इस शो को होर अगे वधाया जा सके अगले शो के नवे होर टॉपिक सवालों के उत्ते उन्होंने चर्चा का विशा बनाया जाएगा तो नवी परत खोलन की कोशिश की जाएगी। तद तक अपने दोस्त कुलदीप को दो इजाजत सत श्री अकाल।